हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यूनिट 5 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ओएसआई स्टैंड्स फॉर ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, सी ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, डी ओपन सर्विस इंटरनेट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 7। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 3, TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड ब्लैंक्स द OSI मॉडल, ए प्रायर टू, बी आफ्टर, सी साइमल्टेनियस टू, डी विद नो लिंक टू। TCP/IP 1978 से 1983 तक मल्टीपल रिसर्च सेंटर्स में डेवलप हुआ, वहीं OSI 1984 में डेवलप हुआ, मतलब TCP/IP पहले आया OSI से। TCP/IP को इंटरनेट के लिए एक मॉडल बनाने के लिए डेवलप किया, वहीं OSI एक जनरल नेटवर्क मॉडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रायर टू, मतलब TCP/IP पहले आया। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय ए नेटवर्क लेयर, बी फिजिकल लेयर, सी डेटा लिंक लेयर, डी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल लेयर नेटवर्क केबल्स का यूज करती है। ट्रांसमिशन स्पीड केबल और कनेक्टर्स द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं फिजिकल लेयर नेटवर्क में ट्रांसमिशन स्पीड निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 5, विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू द यूजर, ए एप्लीकेशन लेयर, बी सेशन लेयर, सी प्रेजेंटेशन लेयर, डी फिजिकल लेयर। नेटवर्किंग में एक यूजर मेनली इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर से, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए। ये सबसे टॉप की लेयर होती है TCP/IP और OSI मॉडल दोनों में। एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल, ए ICMP, बी IP, सी IGMP, डी HTTP। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं IP, ICMP, IGMP, ARP और RARP। तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HTTP। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन TCP/IP प्रोटोकॉल, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। TCP/IP प्रोटोकॉल में 4 लेवल के एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। इसमें फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस 6 बाइट या 48 बिट्स का होता है और लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 8, TCP/IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन, प्रेजेंटेशन एंड ब्लैंक्स, ए नेटवर्क लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, डी फिजिकल लेयर। TCP/IP में सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर कंबाइंड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी, ए TCP, बी UDP, सी बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ अबव। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसमें
कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद डेटा भेजा जाता है, यह रिलायबल है। वहीं यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये सिंपल है और मल्टीपल मैसेजेस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये फास्ट है पर रिलायबल नहीं है, मतलब कोई गारंटी नहीं है पैकेट्स पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टीसीपी। क्वेश्चन नंबर 10, द X.25 स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज ए टेक्निक फॉर स्टार्ट स्टॉप डेटा, बी टेक्निक फॉर डायल एक्सेस, सी डीटीई डीसीई इंटरफेस, डी नन ऑफ द अबव। X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। X.25 एक इंटरफेस है बिटवीन डीटीई डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर एंड डीसीई डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे कि पैकेट स्विचेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डीटीई डीसीई इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 11, X.25 यूजेस द ब्लैंक्स प्रोटोकॉल एट द डेटा लिंक लेयर, ए एलएपीडी, बी एलएपीबी, सी पीएलपी, डी एलएपीएक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एलएपीबी। X.25 डेटा लिंक लेयर पे एलएपीबी प्रोटोकॉल यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ओएसआई लेयर्स आर कवर्ड इन X.25 स्टैंडर्ड, ए 3, बी 4, सी 2, डी 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। X.25 स्टैंडर्ड ओएसआई की 3 लेयर्स कवर करता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 13, X.25 इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक्स नेटवर्क, ए रिंग बेस्ड, बी फ्रेम रिले, सी सर्किट स्विच्ड, डी पैकेट स्विच्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पैकेट स्विच्ड। X.25 पैकेट स्विच नेटवर्क का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 14, एन एचडीएलसी ब्लैंक्स स्टेशन सेंड्स कमांड, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी कंबाइंड, डी ए एंड सी। एचडीएलसी में 3 टाइप के स्टेशंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंबाइंड। प्राइमरी स्टेशन कमांड फ्रेम भेजता है, सेकेंडरी स्टेशन रिस्पॉन्स फ्रेम भेजता है और कंबाइंड स्टेशन कमांड और रिस्पॉन्स दोनों फ्रेम्स भेजता है। तो इसमें पूछा है कमांड फ्रेम के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी एंड कंबाइंड स्टेशन, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ ब्लैंक्स कॉन्फिगरेशन एन एचडीएलसी प्राइमरी स्टेशन एंड सेवरल सेकेंडरी स्टेशंस आर कनेक्टेड, ए अनबैलेंस्ड, बी सिमेट्रिकल, सी बैलेंस्ड, डी ए सिमेट्रिकल। कॉन्फिगरेशन 2 टाइप के होते हैं, अनबैलेंस्ड कॉन्फिगरेशन और बैलेंस्ड कॉन्फिगरेशन। अनबैलेंस्ड कॉन्फिगरेशन में एक प्राइमरी और एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेशंस होते हैं, वहीं बैलेंस्ड कॉन्फिगरेशन में 2 कंबाइंड स्टेशंस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनबैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ एचडीएलसी फ्रेम, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। एचडीएलसी में 3 टाइप के फ्रेम्स होते हैं, आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 17, एन एचडीएलसी ब्लैंक्स इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट यूजर डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ए आई फ्रेम, बी एस फ्रेम, सी यू फ्रेम, डी ए फ्रेम। एचडीएलसी में 3 टाइप्स की फ्रेम होती है, आई या इंफॉर्मेशन फ्रेम, एस या सुपरवाइजरी फ्रेम, यू या अननंबर्ड फ्रेम। आई फ्रेम यूजर डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड करने के काम आता है, एस फ्रेम कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड करता है और यू फ्रेम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 18, द एचडीएलसी पीएफ बिट मींस पोल व्हेन द फ्रेम इज सेंट बाय अ ब्लैंक्स स्टेशन टू अ ब्लैंक्स स्टेशन, ए सेकेंडरी प्राइमरी, बी प्राइमरी सेकेंडरी, सी सेकेंडरी कंबाइंड, डी सेकेंडरी सेकेंडरी।
एचडीएलसी में पीएफ बिट में पोल मतलब फ्रेम प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेशन पर जाता है और फाइनल मतलब फ्रेम सेकेंडरी से प्राइमरी स्टेशन पर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइमरी सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 19। इन नॉर्मल रिस्पांस मोड द स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इज ए बैलेंस्ड बी अनबैलेंस्ड सी जीरो डी अनडिफाइंड। डेटा ट्रांसफर के तीन मोड्स होते हैं नॉर्मल रिस्पांस मोड एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड और एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड। नॉर्मल रिस्पांस मोड और एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड में कॉन्फ़िगरेशन होती है अनबैलेंस्ड और एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड में कॉन्फ़िगरेशन होती है बैलेंस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनबैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 20। आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर ए इंटरनेट कनेक्ट मैसेज प्रोटोकॉल बी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल सी इंटरनेशनल कनेक्ट मैसेज प्रोटोकॉल डी इंटरनेशनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो थैंक यू।